Hello everyone and welcome back to join MNS Academy here we are again with top 20 important questions of morphology of flowering plants so let's start with these questions first question is in dash estivation, sepal or petal in a whorl just touch one another at the margins without overlapping as found in option a valvate calotropis option b valvate hibiscus option c ट्विस्टेड Calotropis ऑप्शन डी ट्विस्टेड हिबिस्कस सो मैं आपको एक बार क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि वो कौन सी एस्टिवेशन है जिसमें हमारे पेटल्स या सेपल्स जस्ट एक दूसरे को टच करते हैं वो ओवरलैप नहीं करते हैं सो so, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वेलवेड कैलेट्रॉपिस सो वेलवेड एस्टिवेशन होता है जिसमें हमारे वर्ल्स जो हैं सिर्फ टच करते हैं ओवरलैप नहीं करते हैं एंड जो एग्जाम्पल है वो कैलेट्रॉपिस है हिबिस्कस हमारा कैलेट्रोपिस हिबिस्कस हमारा वेलवेट एस्टिवेशन का पार्ट नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन ओवरी इज सेट टू बी हाफ इन्फीरियर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ऑप्शन ए हाइपोगाइनस ऑप्शन बी एपिगाइनस ऑप्शन सी पेरिगाइनस ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी सो क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ जो ओवरी है उसको हम हाफ इन्फीरियर किस केस में बोलते हैं या उसके लिए हम टर्म क्या यूज़ करते हैं सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी विच इज़ पेरिगाइनस तो जो पेरिगाइनस होता है उसमें ओवरी हाफ इन्फीरियर होता है नेक्स्ट क्वेश्चन ईडेबल रूट्स आर फाउंड इन ऑप्शन ए राइस ऑप्शन बी व्हीट ऑप्शन सी पोटैटो ऑप्शन डी स्वीट पोटैटो सो जो रूट का ईडेबल पार्ट है वो किस में प्रेजेंट होता है सो करेक्ट आंसर इसका स्वीट पोटैटो जो स्वीट पोटैटो है उसमें रूट मॉडिफाई होके वहाँ पे फूड स्टोर करती हैं एंड हम उसे यूज़ करते हैं फॉर आर एड कंजम्पन नेक्स्ट साइमोस इन्फ्लोरिस इज प्रेजेंट इन ऑप्शन ए सैसबीनिया ऑप्शन बी सोलानम ऑप्शन सी ट्राइफोलियम, ऑप्शन डी का। सो जो हमारा साइमोस इन्फ्लोरेसेंस है ये हमारे किस प्लांट में ऑब्जर्व होता है सो so, इसका करेंट आंसर है साइमोस इन्फ्लुसेंस इज प्रेजेंट इन ऑप्शन ए सेसबीनिया ऑप्शन बी सोलानम, ऑप्शन सी ट्राइफोलियम, ऑप्शन डी ब्रेसिसका सो जो साइमोस इन्फ्लुसेंस है वो गिवन ऑप्शन में किस में प्रेजेंट है सो so, इसका करेक्ट आंसर है सोलानम, जिसको हम पोटैटो फैमिली बोलते हैं तो उसके जो फ्लार्स होते हैं वो हमारे साइमोस इन्फ्लुसेंस में होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सिलेक्ट द मिस मैच पेयर सो जो यहाँ पर पे हमें पेयर्स दिए हैं इसमें से जो रॉन्ग है हमें उसको करेक्ट करना है या उसको हमें मार्क करना है सो ऑप्शन ए टैप रूट सिस्टम डायकॉड्स ऑप्शन बी फाइब्रस रूट सिस्टम मोनोकॉट्स ऑप्शन सी फैसिकुलेटेड रूट्स करक्यूमा ऑप्शन डी स्टिल रूट शुगर केन सो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट है वो मिसमैच है सो so, जो टैप रूट सिस्टम है वो डायकॉड्स में होता है ये करेक्ट है फाइब्रस रूट सिस्टम जो है वो हमारे मोनोकॉट्स में प्रेजेंट होता है एंड स्टिल ट्रूट जो ये मोडिफिकेशन है ये भी शुगर केन में प्रेजेंट होती है सो so, जो यहाँ मिस मैच पेयर है वो है फेसिकुलेटेड रूट इन केस ऑफ करम क्यूमेन नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान बी एस मोनली फॉर्म रूट्स ऑप्शन ए मोमोडिका ऑप्शन बी करक्यूमा ऑप्शन सी दलिया ऑप्शन डी स्पेरगस सो जो ये मोनलीफॉर्म रूट्स है ये हमारे रूट का एक मॉडिफिकेशन होता है जहाँ पर रूट में कुछ बीड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है सो so, जो ये मोमोडिका है इसको हम स्पिनिच या और जो हमारे प्लांट्स होते हैं उसमें इस टाइप के रूट प्रेजेंट होता है सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए मोमोडिका इन बोगेन वीलिया वीक स्टेम राइज अप अ सपोर्ट बाय डिगिंग इन टू द हेल्प विद द कर्व थॉन्स सच प्लांट्स आर कॉल्ड एज ऑप्शन ए टेंडिल्स ऑप्शन बी ऑफ सेट्स ऑप्शन सी हुक्स ऑप्शन डी स्क्रैम्बलर्स सो so, इसका करेक्ट आंसर है स्क्रैम्बलर्स जो बोगे मिलिया के स्टेम में जो भी सपोर्ट के लिए जो भी चीज़ें वहाँ पे मॉडिफाई होती हैं उनको हम स्क्रैम्बलर्स बोलते हैं द आइज ऑफ द पोटैटो ट्यूब रिप्रेजेंट ऑप्शन ए नोट्स ऑप्शन बी फ्लावर बर्ड्स ऑप्शन सी रूट बर्ड्स ऑप्शन डी लीप बर्ड्स सो जो पोटैटोज़ में आई फॉर्म होती हैं अगर हम पोटैटो को बहुत लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रखते हैं तो उसमें आइज फॉर्म हो जाते हैं एंड ये जो आई है ये नोड्स होते हैं सो so, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नोड्स इन ओपनशिया द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कैरिड बाय ऑप्शन ए कैलेडोड ऑप्शन बी फाइलोक्लैड्स ऑप्शन सी फाइलोड ऑप्शन डी स्टेप्यूल्स सो यहाँ पे ऑप्शन थोड़े से रॉन्ग मार्क्ड हैं इसको करेक्ट कर लेना आप ये बी एंड सी थोड़ा सा मिस्टेक है तो जो ओपनशिया होता है ये प्लांट में हमारा फोटोसिंथेसिस कौन से चीज़ के वजह से कैरी आउट होता है तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फाइलोक्लेट्स तो ये जो फाइलोक्लेट्स हैं ये फोटोसिंथेसिस कंप्लीट करते हैं इन केस ऑफ ओपनशिया नेक्स्ट इज डैश आर वन इंटरनोट लॉन्ग रनर्स यूजली फाउंड इन रोजेड प्लांट्स एट द ग्राउंड ऑब्लिक वाटर लेवल ऑप्शन ए ट्रेलर्स ऑप्शन बी ऑफसेट्स ऑप्शन सी टोलि ऑप्शन डी राइजोम्स सो रोजेड क्या होता है ये हमारे छोटे प्लांट्स होते हैं जिनका साइज बहुत बड़ा नहीं होता है और ये ग्राउंड के साथ ही अटैच होते हैं सो so, इसका एग्जाम्पल है जो टाइप के प्लांट्स को हम बोलेंगे तो उन टाइप के प्लांट्स को हम ऑफसेट्स बोलते हैं सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ऑफसेट्स एंड इसका एग्जाम्पल है इकॉर्निया नेक्स्ट इज कील इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लावर्स ऑफ ऑप्शन ए गुलमोहर ऑप्शन बी केशिया ऑप्शन सी कैलिट्रॉपिस ऑप्शन डी बीन कील जो है ये कैरेक्टरिस्टिक होता है ये हमारा जो एक एस्टिवेशन का पार्ट होता है तो जो हमारा कील है वो कैरेक्टरिस्टिक होता है इन केस ऑफ बीन जो बीन के फ्लावर्स होते हैं वो कील को हमेशा कील के फॉर्म में ही प्रेजेंट होते हैं सो so, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बीन द टेक्निकल टर्म यूज फॉर एंड्रोशियम इन फ्लावर ऑफ चाइना रोज इज़ जो चाइना रोज होता है उसके जो एंड्रोशियम होते हैं हम उसके लिए कौन सा टेक्निकल टर्म यूज़ करते हैं ऑप्शन ए इज़ मोनो एडल्फस ऑप्शन बी डाई एडल्फस ऑप्शन सी पॉली एंड्रस ऑप्शन डी पॉली एडल्फर्स सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए विच इज़ मोनो एडल्फर्स तो मोनो एडल्फर्स जो हमारा चाइना रोज है उसका एंड्रोशियम क्या होता है वो एक ही बंडल में प्रेजेंट होता है इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए विच इज़ मोनो एडल्फर्स एंड जो डाई एडल्फर्स होता है वहाँ पे जो भी हमारे एंड्रोशियम है वो टू बंडल्स में प्रेजेंट होते हैं एंड And पॉली जो है ये यहाँ पे होगा नहीं बिकॉज ये हमारे स्टेमिन के लिए होता है तो ये यहाँ पे होगा नहीं तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए विच इज मोनो एडल्फर्स नेक्स्ट इज द स्केटुलम ऑब्जर्व्ड इन अ ग्रेन ऑफ वीट और मेज इज कम्पेरेबल टू विच पार्ट ऑफ द सीड इन अदर मोनोकॉटिलिडन्स सो जो स्कैटुलम होता है हमारे वीट या मेज में तो वो मोनोकॉट सीड के बाकी किस पार्ट के साथ हम उसको इक्विवेलेंट या फिर उसको कंपेयर कर सकते हैं सो ऑप्शन ए इज कॉटिलिडन ऑप्शन बी लेयर ऑप्शन सी एंडोस्पर्म ऑप्शन डी प्लिम्यूल अगेन यहाँ पे ये ऑप्शन थोड़े से रॉन्ग मार्क्ड हैं सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी विच इज एंडोस्पर्म सो एंडोस्पर्म बाकी सीड्स के साथ हम उसको मोनोकॉटिल सीड के साथ कंपेयर कर सकते हैं तो ये जो भी हमारा ग्रोइंग एम्ब्रियो होता है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एंडोस्पर्म सो so, ये एक हमारा इंपॉर्टेंट फीचर होता है इन केस ऑफ मोनोकॉटिलिडन सीड्स नेक्स्ट इज The coconut water and the ईटेबल part of coconut are equivalent to option A. Mesocarp, option B. Endosperm, option C. Endocarp, option D. Embryo. एम्ब्रियो so, सो जो हम कोकोनट का फूड खाते हैं जो कोकोनट का पार्ट हम उस फूड की तरह यूज़ करते हैं या जो उसका वाटर होता है वो गिवन में से कौन सा है तो so, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इट इज एंडोस्पर्म पार्ट ऑफ विच वी ईट इन कोकोनट वैक्सीलरी एस्टिवेशन इज़ कैरेक्ट्रिस्टिक ऑफ विच फैमिली ऑप्शन ए ब्रेसीएसी ऑप्शन बी सोलिनेसी ऑप्शन सी एस्टरेसी ऑप्शन डी फेबीसी ऑप्शन डी इज करेक्ट विच इज़ फेबिसी तो फेबीसी जो हमने अभी पढ़ा था कील बीन जो है वो एग्जाम्पल है इस फैमिली के मेम्बर का एंड जो हमारा बीन्स है उसमें हमारा वैक्सीलरी एस्टिवेशन ऑब्जर्व होता है नेक्स्ट इज ईडेबल पार्ट ऑफ बनाना ए एपिकाप, बी मीज़ोकाप एंड लेस डेवलप एंडोकाप ऑप्शन सी एंडोकाप एंड लेस डेवलप मीजोकॉप ऑप्शन डी एपिकाप एंड मीज़ोकॉप करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इट इज़ एंडोकाप एंड लेस डेवलप मीज़ोकाप जो बनाना का हम फूड की तरह यूज़ करते हैं जिस पार्ट को हम कहते हैं वो एंडोकाप होता है एंड थोड़ा सा लेस डेवलप्ड मीज़ोकाप नेक्स्ट इज हेयर फाउंड इन फ्लोरसेंस ऑफ जिया मेज आर मॉडिफिकेशन ऑफ जो हमारा मेज़ uh, होता है मक्की जिसको बोलते हैं उसमें जो हेयर होता है वो कौन सी चीज़ का मॉडिफिकेशन होता है ऑप्शन ए स्टाइल ऑप्शन बी स्पेथ ऑप्शन सी स्टिग्मा ऑप्शन डी फिलामेंट्स सो अगेन यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन रॉन्ग मार्क्ड है सो so इसको करेक्ट कर लेते हैं करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए स्टाइल जो हमारे हेयर होते हैं इन केस ऑफ मेस वो स्टाइल की मॉडिफिकेशन की वजह से प्लांट फॉर्म होते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फ्रूट सो यहाँ पे जो भी गिवन है इसमें से ट्रू फ्रूट कौन सा है ऑप्शन ए फिग ऑप्शन बी एप्पल ऑप्शन सी बनाना ऑप्शन डी पियर सो गिवन ऑप्शन में से जो ऑप्शन सी है बनाना बनाना इज़ अ ट्रू फ्रूट नेक्स्ट इज प्लेसेंटेशन इन टोमैटो एंड लेमन इज ऑप्शन ए पराइटल ऑप्शन बी फ्री सेंट्रल ऑप्शन सी मार्जिनल ऑप्शन डी एक्ज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी एक्ज सो जो हमारा टोमैटो एंड लेमन होता है उस केस में हमें एक्साइल प्लेसेंटेशन ऑब्जर्व किया जाता है नेक्स्ट इज पल्सिस आर ऑप्टेंट फ्रॉम ऑप्शन ए फेबीसी ऑप्शन बी पोएसी ऑप्शन सी एसट्रेसी ऑप्शन डी सोलेनेसी सो जो पलसेज जिस फैमिली से ऑपटेंड होता है उस फैमिली को हम फेबीसी बोलते हैं सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए फेबीसी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई होप कि आपको इसमें जो क्वेश्चन गिवेन होंगे वो आपको आए होंगे एंड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड अगेन मिस्ट्री क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछूंगी एंड आपको उसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है एक हमारा रूट का मॉडिफिकेशन होता है जिसको प्लांट्स यूज करते हैं फॉर रेस्पिरेशन सो उस टाइप के रूट्स को हम क्या बोलते हैं एंड व्हाट इज एग्जांपल ऑफ दैट प्लांट सो ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है एंड अगेन जिसका क्वेश्चन का आंसर इस क्वेश्चन का आंसर जो लोग भी राइट देंगे हम उस आंसर को पिनअप करके कमेंट सेक्शन में रखेंगे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो